किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली आज़ादपुर मंडी के प्याज के भाव के बारे में। तो किसान साथियों, आज की जो फाइनल अपडेट है और फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। किसान साथियों, 10 जून 2021 की लाइव अपडेट के साथ मैं आपको बताऊँगा आज के फाइनल भाव के बारे में। किसान साथियों, आज कितनी उछाल कितनी तेज़ी देखने को मिली हुई है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। किसान साथियों, मैं आपको इस वीडियो में सारी सटीक जानकारी के साथ बताऊंगा दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज मध्य प्रदेश का प्याज, राजस्थान का प्याज, गुजरात का प्याज किसान साथियों, और नासिक, पुणे और महोबा का प्याज, राजस्थान का प्याज, गुजरात का प्याज, इन सभी स्टेटों का जो प्याज है वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आता है। किसान साथियों, उससे पहले आज की अगर आवक की बात करें तो किसान साथियों, आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 10 से 15 हज़ार कट्टे की जो आवक है वो देखने को मिली है। 10 से 15 हज़ार कट्टे की जो आवक है वो देखने को मिली हुई है। यहीं पर अगर सुपर क्वालिटी के माल की बात करें तो 2100 रुपये से लेकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली हुई है। किसान साथियों, अगर मीडियम माल की बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज के दिन 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली हुई है। और किसान साथियों, अगर गोल्टा माल की अगर बात करें तो 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली हुई है। तो चलिए किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं गोल्टा, छोटा छोटी, छटन, खराब मिक्स प्याज के। तो ये वाला प्याज किसान साथियों, आज के दिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। ऑल ओवर मंडी की अगर स्थिति की बात करें तो किसान साथियों, हल्की सी 100 रुपये की उछाल के साथ देखने को मिला हुआ है। किसान भाइयों, कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि जब प्याज ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाएगा तो हल्की सी उछाल देखने के जो आसार हैं वो किसान साथियों नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं।